देखिए बहुत अच्छा, तो आप आज बताने वाले हैं आपको सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ 5 मिनट में आप वीडियो एडिटिंग करना बेहतरीन से बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप सही जगह पे हैं, प्लीज स्टार्ट करते हैं। प्लीज जाना स्टार्ट करने से पहले और प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा आपको जाना है, कैनवा स्टोर इंस्टॉल करना है और यहाँ पे आपको आना है और प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप ये यूट्यूब साइज है, यहाँ पे मोबाइल साइज और ये स्क्वायर में है, तो आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियो बना रहे तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा 16:9। उसके बाद आपको एक इस तरह अगर आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये भी एक सिंपल सा प्रोसेस है, और आप नहीं चेंज करना चाहते तो वो भी है। चलिए देख लेते हैं, पहले हम आपको एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड पर यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, बैकग्राउंड पर क्लिक कर देते हैं। बैकग्राउंड लेने के बाद आप इसमें जो भी चाहे आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, एक बैकग्राउंड इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, इसको हम जितना वीडियो का ड्यूरेशन उतना हम इसको खिसका लेते हैं। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का खिसका लेते हैं, हमको सिर्फ डेमो बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है, उसके बाद हमको यहाँ पे जाना जैसा कि दिख रहा है, इसको हमको क्लिक करना है लेयर पे। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऊपर में ऑप्शन आएगा मीडिया का, मीडिया पर आपको क्लिक करने के बाद आप जो भी ग्रीन इसमें आप वही वीडियो एडिट कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जिसका आपको बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फर्स्ट पर क्लिक करना है और ग्रीन पर क्लिक करने के बाद हमको ग्रीन आइकन जैसा दिख रहा है इसको हम चलाते हैं तो आपको ये पूरा चलेगा। तो जैसा कि दिख रहा है, इसको हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो सिंपल सा देख लेते हैं बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। तो इसको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा की का, इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के साथ साथ आपको ये थोड़ा सा को खसका देना है और ये हो गया, बस इतना ही सा करना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं वीडियो को प्ले करते हैं, तो देख सकते हैं आपके सामने ये वीडियो प्ले हो गया। देख लीजिए यहाँ पे आपको बैकग्राउंड साफ, आप जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड था वो सब साफ हट गया, इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल यहाँ पे एक अपना ऊपर से लोगो लगा दीजिए अपने चैनल का, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल में होगा वहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे फाइल में है मेरा लोगो, ये लोगो हो गया, इसको हमको थोड़ा छोटा कर लेना है। हमने अपने वीडियो में बताया कि अपना लोग प्रोफेशनल लोगो कैसे बना, तो इस तरह का लोगो बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का लोगो आपको लगा लेना है और इसको भी जितना वीडियो वहाँ पे आपको खिसका लेना है। तो चलिए देख लेते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको इसको भी जितना यहाँ पे आपको ये हो गया, आप देख लीजिए इस तरह का प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो में आप अगर आपको म्यूजिक जाना है तो इसको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जो भी वीडियो का यह है यहाँ पे इससे कैप जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसे कि हमने ये लगा दिया, तो आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं लेयर में और भी ऑप्शन आता है, जैसा कि इफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट है, ओवरले है और अगर टेक्स्ट है, यहाँ पे हैंड राइटिंग है। तो ये दोस्तों पहले हम इफेक्ट बारे में जान लेते हैं। इफेक्ट पर जाइएगा, वहाँ पे आपको गेट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सा इफेक्ट मिलेगा, जैसा कि अपने जिस तरह के चैनल पर लगाना है वहाँ पे आप इफेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, ये सिंपल सा फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आपको किसी का इफेक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह हॉर्न का ऑफ इफेक्ट आता रहता है, तो अपने वीडियो के मुताबिक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट बहुत सा है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इस पर क्लिक कर लेना है, डेमो टाइप दिख रहा है। यहाँ पे आपको जैसा कि जिस तरह का इफेक्ट है यहाँ पे इफेक्ट ले सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टिकर्स वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल में इंट्रो स्टार कर, जैसे यहाँ पे चैनल में जहाँ पर चाहिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपको ये सब टेक्नोलॉजी चैनल बनाते तो ये आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे स्टिकर पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट टाइप पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नीचे म्यूजिक है तो इसको हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको सेम ओवरले पे वही वही बात है। यहाँ पे आप जैसा कि आप न्यूज चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको न्यूज का आइकन ले लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसा कि ये है तो ये ले लिए, यहाँ पे आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे इसको सटा देना है और जैसा कि यहाँ पे लग गया यहाँ पे आपको और यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे का स्टिकर आपको मिलता रहेगा, अपने चैनल के मुताबिक इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आपको गेट मोड पर क्लिक कीजिएगा, आपको हर अपने चैनल के मुताबिक आपको एनिमेशन मिलता रहेगा, जैसा कि दिख रहा है शुरू में दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको हर बहुत सा इफेक्ट है, यहाँ पे बहुत सा इफेक्ट है, सब फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बैक जाना है और उसके बाद हम देख लेते हैं सिंपल सा यहाँ पे लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट जाना है। जैसे कुछ लिखते हैं तो हम जैसे कि लिख लेते हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके ओके करने के बाद इसको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमको इसको देख लेते हैं। इसका हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, आप जिस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, हम लेटिन में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर का दिख रहा है जैसा कि ये इसको हम चूज करेंगे और इसको हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम बैक जाएंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए इस तरह लिखा गया है। यहाँ पे हमको इसको नीचे में लाना है तो नीचे में ले जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि इसको नहीं टच करना है हमको, टच करना है हमको ये यहाँ पे टेक्स्ट पे और इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है, लॉन्ग कर लेना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग नहीं भी चलेगा तो चलेगा। यहाँ पे आप इसको इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। देख लेते हैं बैकग्राउंड का क्या सिस्टम है। तो बैकग्राउंड में आप जो चाहिए कलर ले सकते हैं, तो ब्लैक बैकग्राउंड में हम दीवार बना रहे तो यहाँ पे आप अपने मुताबिक जिस तरह आपको चॉइस से देख लेंगे बैकग्राउंड चेंज हो गया तो अपने ही मुताबिक आप चैनल का ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोसेस है, देख लेते क्या है। और इसके बाद इस तरह का हो गया, आपको क्लिक कर ले लीजिए। उसके बाद आपको सोचाइएगा तो आपको वीडियो में चलता हुआ चाहिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ये चाबी के निशान पे और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको ये जो प्लस दिख रहा है यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लीजिए। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर वीडियो को तो इस तरह यहाँ पे आपको जैसा कि क्लिक कर लेना है, यहाँ पे इसको पूरा आगे कर देना है जैसा कि दिख रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम आगे कर लेते हैं, सिर्फ एक वर्ड दिखाई देना चाहिए। उसका इसको क्लिक कर लेंगे, उसको हम प्ले करते हैं, प्ले कर लेते हैं। अब जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे हम जैसे प्ले करते हैं ये वीडियो आपको नीचे में चलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, अपना वीडियो जिस हिसाब से चाहिए वहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप।
बस हो गया यहाँ पे सिंपल सा। यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को पूरा समझने के लिए पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर राइटिंग लिख सकते हैं, और ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वीडियो को स्टार्ट करने के लिए ऑडियो, जैसे वीडियो स्टार्ट होता है ब्लैक दिखता है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना, दो बार क्लिक कर देना है, और यहाँ पर वीडियो क्लिक दिख रहा है। वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कर सकते हैं, जिससे होगा कि आपको हम दिखा देते हैं वीडियो पहले ब्लैक से स्टार्ट हो जाए। देख रहे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, शायद मेरा नहीं लगा, तो फिर एक बार देख लेते हैं वीडियो पे जाकर। देखिए वीडियो पे लगा लेना है, और यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि वीडियो ब्लैक से स्टार्ट होता है उससे का स्टार्ट होगा आपको। तो ये सिंपल सा वीडियो जो बंद हुआ वहाँ पर भी देख लेते हैं, और सिंपल सा बाकी एक और प्रोसेस हम देख लेते उसको। तो ये रहा सिंपल सा प्रोसेस, वीडियो देख लीजिए, एक प्रोसेस तक एडिट हो गया। यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप बहुत सा ऑप्शन, यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपना आवाज करके देख सकते हैं। तो इसको प्ले करते हैं टोटल पे, आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो जरूर बताना कमेंट में, और बीच में कोई अगर प्रॉब्लम है यानी यहाँ पे कुछ कमी लगा तो जरूर कमेंट बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सही करते हैं, देख लीजिए कितना प्रोफेशनल तरीके से हमारा ये वीडियो एडिट हो सका। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ये टेक कर अपना ख्याल रखें, थैंक यू फ्रेंड।